अब ये है कि ये सोर्स कोड है, तो सोर्स कोड पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर, और लेक्सिकल एनालाइजर भी समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, कुछ भी नहीं है कंपाइलर। कंपाइलर एक सिंपल सा ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करता है। अब कंपाइलर में भी प्रोग्रामिंग की हुई है, लेकिन वो बैकएंड वगैरह वो काम कैसे कर रहा है वो चीज़ देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसलेटर क्या है। अब ट्रांसलेटर मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, मैं उर्दू में बात करती हूँ, एक और सामने पर्सन है वो स्पेनिश में बात कर रहे हैं। तो अब ये है कि मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, वो स्पेनिश में जवाब दे रहे हैं, वो स्पेनिश में अपनी बात कर रहे हैं, ना मेरी बात उनको समझ आ रही है ना उनकी बात मुझे समझ आ रही है। तो हम दोनों के बीच अब एक ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है, कि जिसको स्पेनिश भी आ रही हो और जिसको उर्दू भी आ रही हो, वो मुझ तक ट्रांसलेट करके उर्दू पहुंचा दे, उस तक ट्रांसलेट करके स्पेनिश पहुंचा दे, हम दोनों का मसला हल हो जाए और हम अपने काम पे निकल जाए, ठीक है, जो हमें काम है। अब वो यही काम, उसको दोनों लैंग्वेजेस आ रही है, ठीक है, स्पेनिश भी आ रही है उर्दू भी आ रही है। अब यही कंपाइलर है, कंपाइलर को भी दोनों लैंग्वेजेस आती है। कंपाइलर की जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको एट अ टाइम, एक ही वक्त पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है, कंपाइल करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है सोर्स कोड। लेकिन कंपाइलर में सिर्फ एक ही कंपाइलर काम नहीं कर रहा, कंपाइलर के अंदर भी मजीद फेजेस हैं, कंपाइलर के अपने फेजेस हैं। अब वो समझने से पहले कि फेजेस कैसे हैं, क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप देखा जाए, आप इंडस्ट्री की कोई वीडियो लेके देख लो, इंडस्ट्री में किस तरह काम होता है, गारमेंट्स इंडस्ट्री में, या तो ये देख लो कि इंडस्ट्री में जाके ही देख लो, विजिट करके देख लो कि वहाँ कैसे काम होता है। वहाँ कभी भी एक ही बंदा पूरी ड्रेस स्टिच नहीं कर, वहाँ किसी ने स्लिप कटिंग किए, वहाँ कटिंग होके फैब्रिक जब जाता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ एक बंदा स्लिप लगा रहा होता है, उसके पीछे वाला फ्रंट लगा रहा होता है, असेंबल कर रहा होता है, ठीक है, उसके अटैच कर रहा होता है, उसके बाद जो है तीसरा बंदा वो बैक अटैच कर रहा होता है, उसके बाद जो चौथा बंदा है वो नेक अटैच कर रहा होता है। तो इस तरह ड्रेस असेंबल हो गया, फाइनल जो होती है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाके होती है, ठीक है, लेकिन जब ड्रेस अटैच हो रही होती है तो वो सिर्फ एक ही बंदा नहीं कर रहा होता, वो सारे मिलके एक टीम होती है जो के अटैच करती है। अब यहाँ पे है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो कंपाइलर का फर्स्ट फेज है, जैसे कि मैंने बताया, एक ने स्लिप अटैच की, दूसरे ने बैक अटैच की, तीसरे ने फ्रंट अटैच की। तो इस तरह अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर में ये डेफिनेशन तो है लेकिन ये मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, ये डिवाइड करता है सोर्स कोड को, सोर्स कोड को डिवाइड करता है टोकन्स में, ठीक है, और वो देता है सिंटैक्स एनालाइजर को। सिंटैक्स एनालाइजर जो है वो दूसरा फेज है, उसके बाद तीसरा फेज है सिमेंटिक एनालाइजर। ये सारे फ्रंट एंड वर्किंग है कंपाइलर के, लेकिन अभी फिलहाल मेरा ज़्यादा फोकस लेक्सिकल एनालाइजर पर होगा। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने जो प्रोग्राम जो बनाया हुआ है वो लेक्सिकल एनालाइजर पर बनाया हुआ है, लेकिन हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमने फ्रंट एंड वर्किंग टोटली फ्रंट एंड वर्किंग समझाई हुई है, ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। तो उससे बेहतर पहले हम फोकस करते हैं अपने सोर्स कोड पे, ताकि हमें सोर्स कोड भी समझ आ जाए और लेक्सिकल एनालाइजर भी समझ आ जाए, लेक्सिकल एनालाइजर काम कैसे करता है, ठीक है। अब ये तो समझ आएगी कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो फ्रंट एंड कंपाइलर है, ठीक है, और जो कि कंपाइलर का फर्स्ट फेज है, जो कि सोर्स कोड रीड करता है और जो कि डिवाइड करता है इनको टोकन्स में, ठीक है। अब ये टोकन्स में कैसे डिवाइड करता है ये आप यहाँ देख लें, इसमें एक कंडीशन लगी हुई है इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद एक वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है,
और उसके बाद 3.1 एक नंबर है, ठीक है, फ्लोट नंबर है, लेकिन 3.1 एक नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये यहाँ पर इसने लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स कैसे बनाए, टोकन्स ऐसे बनाए कि इसने कह दिया कि इफ जो है वो कीवर्ड है, ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट को दे दिया, और आइडेंटिफायर वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफायर है, ठीक है, वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफायर है, और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर जो है ये लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, इक्वल, ये सारे आपके हैं। सॉरी ये मोबाइल से बना रही हूँ वीडियो तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। खैर, तो ऑपरेटर जो है ये लेस देन, ग्रेटर देन, और उसके बाद ये नंबर है, ठीक। और इसके बाद ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में क्या है कि ये जो काम सोर्स कोड में हो रहा है वो यहाँ पे लाइन बाई लाइन लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट में जो कुछ फंक्शंस लाइब्रेरी यूज़ की हुई हैं, ठीक है, वो है प्री डिफाइंड डायरेक्टिव कहते हैं उसको, और वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के नाम से कोई लाइब्रेरी है प्री डिफाइंड जिसमें फंक्शंस होते हैं। अगर ये लाइब्रेरी ना हो तो ये फंक्शन काम ना करें और एरर दे दें कि ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इस टाइप का कोई एरर दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखते हैं, अब हम जाते हैं सोर्स कोड की तरफ, ठीक है, सोर्स कोड की तरफ जाते हैं और सोर्स कोड देखते हैं कि सोर्स कोड में क्या काम हो रहा है। सोर्स कोड में ये तीन लाइब्रेरी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंट एफ वगैरह के लिए, स्कैन एफ के लिए, यूज़र इनपुट के लिए, और क्लियर स्क्रीन फंक्शंस के लिए ये लाइब्रेरी यूज़ हुई है। अब इसमें मुझे एरर दे रहा था एक, मैं आपको बता दूँ, ये प्रोग्राम जिस पर मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन ये यूज़ किया और मैंने ये लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन ये लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद भी इस क्लियर स्क्रीन में एरर दे रहा था, तो मैंने फिर ये सिस्टम क्लियर फंक्शन यूज़ किया जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें ये प्री डिफाइंड है, तो ये एरर सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक फाइल है, फाइल का पॉइंटर fp एक वेरिएबल है जिसको पॉइंट किया हुआ है, पॉइंटर दिया हुआ है फाइल का, और इंटीजर, इंटीजर मतलब कि टोटल जो नंबर काउंट हो के, टोटल टोकन्स काउंट होके जो आएंगे वो इसमें आएंगे, और एक कैरेक्टर लिया हुआ है 4, ठीक है, जिसकी लेंथ दी गई है 4, मतलब कि 4 कैरेक्टर होंगे। जैसे मेरा नाम है हिना, तो मेरे नाम के अंदर कितने टोकन्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, 4 हैं, HINA, तो ये 4 कैरेक्टर हो गए, H अलग, I अलग, N अलग और A अलग, तो ये 4, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक वेरिएबल और फाइल ओपन का दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ प्रिंट किया हुआ है टोकन डॉट टेक, और ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन प्रिंट एफ का यूज़ किया हुआ है जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में होता है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट एफ, ठीक है, तो ये काउंट होके यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ये मतलब प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे काउंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा कि टोटल टोकन इतने हैं, ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन वाइल की एक लगाई हुई है, वाइल की कंडीशन में ये है कि कैरेक्टर और फाइल गेट करो, फाइल ओपन से, फाइल गेट करो फाइल ओपन से, ठीक है, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, नॉट इक्वल टू, ये देखें, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, ठीक है, जब तक फाइल एंड नहीं होती तब तक आप ये फाइल, ये कोड रीड करते रहो, ठीक है। तो अब इसके बाद ये सारी कंडीशंस होंगी, ठीक है, कंडीशंस के बाद ये कंडीशन टोटल पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, और ये यहाँ पर, यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगी, एफ ओपन, ओ एफ क्लोज, एफ क्लोज का फंक्शन यूज होगा जिसमें एफ पी जो ऊपर वेरिएबल पॉइंट किया हुआ था फाइल ओपन में, वही यहाँ पे फंक्शन में क्लोज होगा, एफ क्लोज का फंक्शन जो के फाइल हैंडलिंग के हैं ये टॉपिक, ठीक है। अगर फाइल हैंडलिंग आप लोग ने पढ़ी हो तो उसमें आपको फंक्शन ये समझ आएंगे कि एफ क्लोज और एफ ओपन ये क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये टोटल नंबर काउंट करके और टोकन काउंट करके आपको दे देगा, और यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह एक नंबर आ जाएगा कि इतने ये नंबर हैं, और ये टोटल जो है वो कॉल हो रहा है, ठीक है, कि जिसमें इस वेरिएबल में सारे सेव होंगे, ठीक है। और उसके बाद गेट सी एच है, अब गेट सी एच में क्या होगा,
गेट्स ये होल्ड करता है, ये फंक्शन है, ये स्क्रीन को होल्ड करता है, हमारे आउटपुट को होल्ड करेगा। ठीक है, अब ये कोड तो हो गया, एंड ऑफ द फाइल तक ये चेक करेगा, एल्स इफ, ये चलता रहेगा जब तक ये क्लोज फाइल का फंक्शन कॉल नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ऊपर कंडीशन वाइल में लगाई हुई है नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, तब तक फाइल गेट करते रहो और ये इसका आउटपुट हो जाएगा, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सोर्स कोड वगैरह तो आप लोग को समझ आ गए होंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा हमारी प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में टोटल आपको फ्रंट एंड वर्किंग समझाई जाएगी कि फ्रंट एंड वर्किंग कैसे होती है, कंपाइलर की कितने फेजेस हैं, क्या हैं, जो हैं स्ट्रक्चर हैं, ये सारी चीज़ें उसमें समझाई जाएंगी। तो ये है कि इसमें सिर्फ लेक्सिकल एनालाइज़र पर फोकस किया गया था, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइज़र हमारा सोर्स कोड ही लेक्सिकल एनालाइज़र पे टोकन्स पे, ठीक है, तो इस वजह से इस पे दूसरे फेजेस को ज़्यादा मज़ीद तफसील में नहीं बताया गया, डिटेल में नहीं बताया गया। और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ तक जितना समझाया उतना आप लोग को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।